भूदेव पुत्रों, मेरे दूध से सिंचित होकर तुम्हारे पूर्वजों ने यज्ञ आदि अनुष्ठान किया, साथ ही अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करते हुए भगवत धाम प्राप्त किया, किंतु जहां हर आश्रम, मंदिर, धार्मिक स्थलों की आत्मा मैं थी, आज तुम्हारी उपेक्षाओं के कारण मैं संकट से घिर गई हूँ। मुझे अपने नष्ट होने का भय नहीं है, अपितु भय इस बात का है कि मुझ जगन माता के अभाव में तुम्हारा क्या होगा। मेरे पंचगव्य, दूध, दही, घी आदि के अभाव में तुम कैसे यज्ञ अनुष्ठान कर अपना और आर्त यजमान का कल्याण कर पाओगे। आज भी हर तरह की घोर आपत्ति के समय में मैं अपनी सेवा प्रदान कर तुम्हारा कल्याण करने को तत्पर हूँ। अतः जहाँ से मैं पालित, पोषित और सुरक्षित हो संवर्धन को प्राप्त हो रही हूँ, उस आदर्श गौशाला में बिना अर्थ अपेक्षा के शनिवार दिनांक 4 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच मेरे सेवार्थ आओ। इस अवसर पर तुम्हारी प्रतीक्षा में गौ माता। बोलो कामधेनु गैया की।